और बिहार में पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल जारी है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जहां पोस्टर लगाकर नीतीश लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल को दर्शाने की कोशिश की है, वहीं राजद ने स्पष्ट रूप से यहां पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें बिहार में जो नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यहां पर डबल इंजन की सरकार है, काफ़ी तेजी से विकास हो रहा है, तो राजद ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें दोनों को, जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों आम आदमी को पीसने का काम करते हैं। आम आदमी लहू लुहान है। लूट एक्सप्रेस जो नीतीश कुमार लेकर आए हैं और झूठ एक्सप्रेस जो सुशील मोदी यानी भाजपा लेकर आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय जी मौजूद हैं। मृत्युंजय जी बताइए, क्या है इस पोस्टर का संदेश? अरे पोस्टर का संदेश स्पष्ट है। जो लोग जनादेश का डाका डालकर सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। तो हम लोग तो अब पोस्टर के माध्यम से ये जनता जानना चाहती है, ये डबल इंजन तो ट्रबल कर दिया और एक झूठ का इंजन, एक लूट का इंजन। बिहार की बोली लगाई गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, रोजी रोजगार देने की बात हुई थी, उद्योग धंधे लगाने के बात हुए थे। ये सारा कहां गया? ये झूठ इंजन, एक लूट इंजन। सृजन से लेकर शौचालय तक 40-40 घोटाले बिहार में, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और बिहार की जनता अब इस लूट की इंजन को, झूठ की इंजन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जदयू ने भी कई आरोप लगाए थे, जदयू ने भी पोस्टर लगाया था जिसमें आपकी 15 साल के कुशासन को दिखाया गया था, भ्रष्टाचार था, लूट था, तो ये पोस्टर वार कब तक? भाई जेडीयू ने पोस्टर के माध्यम से पोस्टर वार की शुरुआत की थी और हम अंत करेंगे। 2020 जेडीयू फिनिश, इसी पोस्टर से अंत होगा उनकी राजनीति। जदयू के प्रवक्ता है जिनका कहना है कि 2020 और राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय कुमार, जिन्होंने कहा कि 2020 और राजद जदयू फिनिश। तो आप देखिए यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार दिखाने की कोशिश की है जिसमें नीतीश कुमार को और सुशील मोदी को दिखाया गया है, जो झूठ का एक्सप्रेस दिखाई गई है और लूट एक्सप्रेस दिखाई गई है, तो इतना तथ्य है कि आने वाला जो समय है बिहार में, जो चुनावी साल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, काफ़ी घमासान होगा इसमें, राजनीतिक घमासान, बयानबाजी भी है और पोस्टर वार भी है।